enemy physical physics var, kimya aur chemistry var, riyazat aur mathematics वमा इलाजालिका, और इसी तरह के बाकी। चौथा सवाल है, यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो जमा है, जो पीछे नज़म में या दुआ में इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अद्दावात, अलबरकत, अलबिस्मात, अलवाजबात, अलनाफियात। ये कहता है कि हातुल मुफरादिल कलमतिल आतिया, जो दर्ज झेल अल्फाज के वाहिद लिखे, सोमा इस्तेमाल हाफी जालिल मैंने इशारे का, और फिर अपनी तौर पर अपने जुमलों में इनको इस्तेमाल कीजिए। जैसे अदावत, ये जमा है, इसका अदावतन वाहिद है, अल्लाहु यहिबुद दावतना, अल्लाह हमारी दावत को कबूल करे या दुआ को। अलबरकत, ये जमा है, अलबरकतन इसका वाहिद है, तिलावतुल कुरान तमलन बयूतना बिलबरकत, ये जो हमारे घरों में कुरान पाक की तिलावत है वो बरकत का बायस होता है। अलबिस्मात यानी मुस्कराहट, अलबिस्मातुन मुस्कराहट, हामिदुन फवाहू ममलून, हामिद जो है उसका मुंह हमेशा या चेहरा बिलबिस्मात दायमन, हमेशा मुस्कराहटों से भरा होता है। अलवाजबात, ये इसका जमा वाहिद है वाजबतुन, उक्तबल वाजबात, अपने काम लिखो, अपना काम जरूरी काम लिखो। अन्नाफिया, इसका वाहिद है नाफियातुन यानी नफा बाकी, अलिम नाफियातुन लिकुल इंसान, इल्म जो है वो हर इंसान के लिए नफा बाकी होता है। ये इसका इस्तेमाल है, ये इसके मुफरद हैं, और ये दिए गए जमा अल्फाज हैं जो इसमें नज़म में इस्तेमाल हुए हैं। तो ये चार सवालात हैं जो इसी नज़म के हैं, हमने आज ये सबक नंबर 19 पढ़ा और इसके सवालात भी किए। इसके अलावा इसका एक और सवाल है, दूसरी तरफ इनको कालम अलिफ और कालम बे से रलाना मिलाना है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अल्लाह मुजीबुद दावा, अल्लाह मुजीबुद दावा, अल यौमल, इसी तरह ये कालम अलिफ, ये मैं इंशाल्लाह कल दिखाऊंगा, और इसके अलावा दूसरा सबक भी हम पढ़ेंगे, दूसरी नज़म या फतहुल अमीन, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे और इसके सवाल भी करेंगे। आज आप इतना कीजिए, बाकी शुक्रिया।